मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना? यही है, इसको ब्रेक करने दें एक दफा, ठीक है ना? इस एरिया को, ये जो जोन है ना, जिस तरह ये देख रहे हैं, ये जोन, ये ब्रेक हुआ ना, ये टेस्ट, ये ब्रेक करेगा ना रेंज रूम, ये टेस्ट इस एरिया से फिर इसको 2065 तक के लिए पकड़ेंगे, ठीक है? स्टॉप लॉस उसमें भी होगा, क्यों? के अगर अगर उसने ब्रेक कर दिया, क्यों? फौरी तौर पे आउट, ठीक है? जहां से उसने ब्रेक कर दिया, स्टॉप लॉस होगा, आउट। तो इसलिए स्टॉप लॉस भी होगा, सब कुछ होगा। तो लेकिन ये लेवल जो होता है ना, ये वाला, ये मिस करने वाला नहीं होता, ये सेटअप, ठीक है? बाकी आप समझदार हैं, ये सेटअप मिस करने वाला नहीं है, ये वाला। चलें जी, आगे चलते हैं जी। स्टॉप इसमें थोड़ा सा बड़ा होगा, स्टॉप इसमें कम से कम भी मेरे हिसाब से बनेगा, तीस पिप का ऐसा होगा इसमें, 25 से 30 पिप का इस लेवल पे। वो तो एनजेड डी था ना जो। चले तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आफ्टर एनालिसिस ए ट्रेड सेटअप दैट मस्ट बी ट्रेड डोंट, जैसा कि बताया था कि ये वाला जो ट्रेड सेटअप है ना, ये मिस करने वाला नहीं होता। अभी ना आपने इसमें एक चीज देखनी है कि जैसा कि आप देख रहे हैं ना, कि जब प्राइस ने अपने उस जोन का ब्रेकआउट किया, ठीक है? अब ब्रेकआउट करने के बाद ये अभी टाइम लेगा, यानी इसमें क्या होगा, टाइम लगता है, प्राइस स्लो स्लो रेंज करती 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 करती। अब सेटअप का हमेशा याद रखें, अच्छी ट्रेड और अच्छे सेटअप का हमेशा इंतजार होता है, वेट होता है। अभी ये आपके पास अगर हम देखें ना, यहां पे चलते हैं इसको, अगर हम यहां पे इसको देखें तो ये तकरीबन यानी 4 घंटे, ये 4 8, 4 12, 4 16, 4 24 और 24 और 4 28, यानी तकरीबन 28, आप 24 घंटे या 28 घंटे के बाद जो है ना, वो सेटअप हमें यहां से उसी लेवल को उसने टेस्ट किया, और वहीं से हमने इसको बाय किया, जो ऐसा लेवल था, जो ऐसा ट्रेड सेटअप जो मिस करने वाला नहीं होता। तो अब इसमें सब्र करना होता है, याद रखें, इस ये मार्केट जो है ना, ऑलवेज कंट्रोल योर मोशंस एंड बी पेशेंट्स, अपने इमोशंस को जो है ना हमेशा कंट्रोल रखें और सब्र करना सीखें। जब ट्रेड बनती है ना, तो याद रखें, ट्रेड आपको खुद जो है ना वो बताती है कि मैं बन गई हूं, ठीक है ना? जब भी ट्रेड बनती है तो वो आपको खुद कहती है मैं बन गई हूं। आपको ट्रेड के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती, ट्रेड को सिर्फ देखना होता है कि कब बने, कब बन रही है लेवल। अब हम यहां पे बैठे थे, जैसा कि आपको ये सारी चीजें बताई थी उस वक्त, कि अभी आपने ये वीडियो भी देखी कि ये सेटअप मिस करने वाला नहीं होता, बाकी आप समझदार हैं, स्टॉप लॉस भी तकरीबन कोई 25 से 30 पिप का इसके अंदर, ठीक है, जो भी बन रहा होता है। तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, यानी रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के दो पार्ट होते हैं। तो अभी इसमें जो आपने सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो यही सीखनी है, ये सीखी है कि हमेशा इंतजार करें, वेट करें, जब आपका सेटअप बन जाए तो तब आप उसमें रिस्क ले। तो चलें जी, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो मजीद भी इस तरह की जो वीडियोस है वो मैं बनाता रहूंगा, इसी तरह अपनी जो हमारी लाइव स्ट्रीम, लाइव सेशंस होते हैं उसमें से, और उसके ऊपर फिर बाद में लर्निंग भी होगी, उससे अच्छा असर पड़ेगा आपको, बहुत अच्छा उसमें समझने को मिलेगा। तो चलें जी, गुड लक, टेक केयर।